भी होंगी, चारों जो टीमें पहुंची हैं सेमीफाइनल उनकी पर्चियां डालेंगे और उसके बाद फैसला होगा कि कौन सी टीम का मैच कौन सी टीम के साथ होगा। अभी जा रहे हैं हम पर्चियां जाना और डालनी है चारों टीमों के नुमाइंदगान को बुलाया, तो हमारे कैप्टन जो आसिफ साहब वो तो गए हैं कुछ पानी वगैरह लेने के लिए। अभी दोपहर जा रहा है और मैं उसके साथ जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में कि हमारा मैच किसके साथ आ रहा है। दोपहर दो चार मैच दो चार दे दे खाली जी विनर ते अंगद जर ते तोड़ा जनाब अहमदाबाद ते दूसरा मैच अहमदाबाद ते हां जी दूसरा मैच है किसके साथ पर्ची निकली अहमदाबाद की कुफरी अहमदाबाद अहमदाबाद और कुफरी सेकंड सेमीफाइनल। एक जगह ते खड़ा हो जा के भी बैठना है भाई था एक जगह बैठ जा एज इट इज मैंने अपलोड करना है। अच्छा अहमदाबाद और कुफरी का मैच आया है मर्दवाल मर्दवाल अच्छा अंगा और मर्दवाल और पहल का मैच हो रहा है, उनमें से जो विन करेगा उसका आएगा अंगा के साथ। पहला सेमीफाइनल वो खेलेंगे, दूसरा सेमीफाइनल होगा हमारा कुफरी के साथ। अच्छी कुफरी के साथ हमारा सेमीफाइनल आ गया तो फिर इंशाल्लाह के नीचे बैठे इसलिए नजर भी नहीं आ रहा है यहाँ पे बिल्कुल इस तरफ इंशाल्लाह। यहाँ पे कुछ एनालिसिस कर रहे हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। तो हमारी सारी टीम यहाँ पे बैठ के बड़ी ठंडी हवा लग रही है। यहाँ पे एक चप्पड़ है साथ और इस तरफ एक खूबसूरत सी मस्जिद है छोटी सी है, मतलब यहाँ पे पीछे है मर्दवाल नशहरा सरफ कबीकी अहमदाबाद नद्दड़ सारा इलाका नज़र आ रहा है। तो अहमदाबाद की टीम ने जी सेमीफाइनल के लिए तैयारी अपनी शुरू कर ली है और यहाँ पे जो है टॉस जीता है कुफरी ने, जवान 11 कुफरी। तो हमारी टीम यहाँ पे कुछ मशावरत करती हुई है और जो पहला सेमीफाइनल है वो पहल वाले जीत चुके हैं तो वो टीम फाइनल में अभी। और अभी हमारा मैच है जी कुफरी और अहमदाबाद का, तो इंशाल्लाह इसमें जो टीम जीतेगी वो पहल के साथ फाइनल खेलेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जवान 11 कुफरी ने हमारी टीम को अहमदाबाद को दिया जी बैटिंग और सॉरी यहाँ पे तलावत और दुआ हो रही है तो हम भी दुआ करते हैं इंशाल्लाह। आमीन। आमीन। अल्लाह अकबर या रसूल या अली। तो गुड लक टीम अहमदाबाद, अभी ओपनिंग जवान 11 कुफरी की टीम वहाँ पे बैठी है और यहाँ पे इंतजामिया और जो लाइव मैच चल रहा है। तो यहाँ पे जी कुफरी जवान 11 कुफरी ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया है और अहमदाबाद यहाँ पे अभी करेगी बॉलिंग फील्डिंग करेगी तो इंशाल्लाह। यहाँ पे अहमदाबाद की टीम में पहला ओवर सामा करेंगे और उसके बाद ये हमजा हैं और बकाया हारिस बासित और जुबैर असद अच्छी, तो ये हमारी टीम की बॉलिंग अटैक है।
पांच ओवर का मैच है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी जो है ना अहमदाबाद की टीम यहाँ पे शुरू करेगी पहला ओवर, और ओवर के लिए आए हैं उसामा और फेस कर रहे हैं इन प्लेयर में से नाम नहीं पता मुझे। अच्छा भाई नाम क्या है इन्होंने प्लेयर? ना ना ए प्लेयर जड़ा है खड़े उसामा जी परवान, ये उसामा और ही साइड है उसामा परवान। हां जी तो ये हैं जी जो फेस कर रहे हैं उसामा, और दूसरी साइड पे आए हैं फरहान कुफरी से। और पहली बॉल उसामा की, बॉल काफी स्पीड से निकली और वाइड हुई, और दूसरी बॉल पे उसामा को यहाँ पे छक्का दाग दिया। उसामा टू उसामा विद द ब्यूटीफुल सिक्स। तीसरी बॉल के लिए उसामा, और यहाँ पे एक और छक्का, खूबसूरत छक्का उसामा गफरी की तरफ से, खूबसूरत छक्का। दो बॉलों पे दो छक्के यहाँ पे लग चुके हैं, पहली बॉल वाइड थी, 13 स्कोर। तीसरी बॉल और बहुत अच्छी बॉल यहाँ पे, बोले बोले उसामा शाबाश। और अच्छी बॉल की यहाँ पे उसामा ने, स्लो बॉल की चौथी बॉल और आउट होने का खतरा, लेकिन अच्छी रनिंग, चार बॉलें 15 स्कोर। पांचवी बॉल, चार बॉलें 15 स्कोर पहला ओवर, और उसामा की अच्छी बॉल लेकिन अंपायर का इशारा कि ये वाइड है। यहाँ पे उसामा यहाँ पे अंपायर से नाखुश हैं, जबकि यहाँ पे बैट्समैन कह रहे हैं कि वाइड और चांस भी दिया जाए। और फिर एक और वाइड और बहुत ही लंबी चौड़ी वाइड कर दी यहाँ पे उसामा ने, यहाँ पे स्कोर हुई 17। और यहाँ पे बॉल फिर चौका हो गया, 21 स्कोर हो गए, और अभी एक और बॉल बाकी है, पांच बॉलें 21 स्कोर, काफी महंगा और साबित हुआ सामा का। यहाँ पर सामा कुफरी ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, और अच्छी बॉल यहाँ पे, अच्छा ओवर नहीं गुजरा उसामा का, लेकिन कोई बात नहीं इंशाल्लाह। दूसरे ओवर के लिए आए हैं यहाँ पे जाहिद अब्बास, और फुल टॉस बॉल, और यहाँ पे सिर्फ एक रन मिला है, और हमजा की अच्छी कीपिंग, बॉल पे जल्दी पहुँचे और एक स्कोर सेव किया अपनी टीम के लिए। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल, और यहाँ पे बैट्समैन तैयार नहीं थे। दूसरी बॉल के लिए आए जाहिद, और यहाँ पे अंपायर का इशारा देखना होगा, यहाँ पे भाग के दो स्कोर ले लिया उन्होंने, यहाँ पे दो स्कोर मिले जी दुखी। तीसरी बॉल के लिए आए जैदी, अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बॉल। चौथी बॉल और बहुत ही अच्छी बॉल, जाहिद क्या बात है,
शायद अपनी चार बालें बचा के यहाँ पे बगैर किसी बाउंड्री के अच्छा ओवर अभी तक तो और शायद ने यहाँ पे वाइट बॉल कर दी है। वाइट बॉल और यहाँ पे जायद को मेरे ख्याल में एक छक्का लगेगा। और तीन स्कोर बने, तीन स्कोर बने मेरे ख्याल में। वहाँ पे शायद बासित एजेंसी हुआ कैच ड्रॉप, ये शायद बाउंड्री सेव की है। आखिरी बॉल है जायद की, काफ़ी अच्छा ओवर गुजरा इनका। और यहाँ पे एक लंबा सा छक्का, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा ओवर गुजरा है। 2 ओवर 34 स्कोर अहमदाबाद वर्सेस कुफरी। तीसरे ओवर लिया उसामा और पहली बॉल यहाँ पे बैट्समैन का यहाँ पे एतराज है कि ये वाइड, जबकि अंपायर का इशारा ये वाइड नहीं है, ये लीगल बॉल है। दूसरी बॉल और अब बॉल वाइड, काफी लंबी लेग से वाइड। दूसरी बॉल और यहाँ पे एक लंबा सा छक्का दूसरी बॉल पे उसामा को। तीसरी ओवर की तीसरी बॉल करनी है अभी। दूसरी बॉल पे लगा है छक्का और बहुत ही अच्छी बॉल यहाँ पे उसामा की, बहुत ही अच्छी बॉल। चौथी बॉल के लिए उसामा और बहुत ही अच्छी बॉल, क्या बात है उसामा, बहुत अच्छी बॉल की। पांचवी बॉल के लिए उसामा और बहुत ही अच्छी बॉल की यहाँ पे, और फील्डर ने मिस फील्ड की, लेकिन बाउंड्री यहाँ पे सेव कर ली। यहाँ पे मेरे 2 स्कोर मेरे, 5 बॉलें हो चुकी हैं तीसरे ओवर की। स्कोर मेरे ख्याल में तो स्कोर कितना हो गया आसिफ भाई, 34-40-50+ है। यहाँ पे छठा छक्का लग गया छठी बॉल पे, तीसरे ओवर की आखिरी बॉल थी और यहाँ पे छक्का लग गया। कोशिश की है फील्डर ने, लेकिन फील्डर के काफ़ी ऊपर थी बॉल और फील्डर की रेंज से बाहर। 49 स्कोर 3 ओवर 49 स्कोर अहमदाबाद वर्सेस कुफरी। यहाँ पे चौथे ओवर के लिए आए हैं हमजा, पहली बॉल के लिए आए हमजा यहाँ पे और बॉल हुई वाइड, अच्छी लाइन लेंथ लेकिन बॉल वाइड। फिर से आए बॉल करने के लिए हमजा और यहाँ पे एक लंबा सा छक्का लग गया। पहली बॉल पे हमजा को लगा छक्का और इससे पहले बॉल हुई वाइड। अभी तक चौथे ओवर की एक ही बॉल और यहाँ पे स्कोर हो गया 56। दूसरी बॉल और यहाँ पे शायद दुखी सामा पहुँच गया और सामा ने अपनी टीम के लिए रन सेव किया और यहाँ पे स्कोर मिलेगा कुफरी को।
यहाँ पे 57 स्कोर, चौथा ओवर दो बॉल हैं, ओवर पे हैं हमजा, चौथे ओवर की तीसरी बॉल और शॉर्ट पिच बॉल को उठा के बाउंड्री लाइन से बाहर फेंक दिया उसामा कुफरी। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, 62 स्कोर यहाँ पे। चौथी बॉल के लिए आए हमजा और यहाँ पे एक और छक्का लग गया उसामा कुफरी ने, लंबा सा छक्का लगा दिया। फिर चौथे ओवर की चार बॉलें और यहाँ पे स्कोर शायद 62 या समथिंग। बॉलिंग के लिए आए हमजा फिर और लूज बॉल की और टाइमिंग से खेल दिया एक और छक्का उसामा कुफरी। यहाँ पे उसामा हमजा से काफ़ी नाखुश, काफ़ी महंगा ओवर हमजा का। चौथे ओवर की आखिरी बॉल है, ये बॉल लाजमी सेव करना होगी और यहाँ पे 13 धुली का लेकिन मिस फील्ड हुआ सामा से कीपर से और बॉल यहाँ पे रन आउट हो सकता था आसानी से लेकिन उसामा के हाथ में बॉल नहीं आई और दो इजाफी स्कोर मिले कुफरी को। चार ओवर और 79 स्कोर 79। पांचवें ओवर के लिए आए असद अच्छी पांचवा ओवर कराएंगे यहाँ पे अपनी टीम के लिए। पहले ही अच्छा खासा टारगेट सेट हो चुका है कुफरी की तरफ से 79। पहली बॉल के लिए आए असद और एक काफी लंबा छक्का जो कि बिल्कुल भी अहमदाबाद टीम के हक में नहीं है। 85 स्कोर इसी के साथ ही, पांच बॉलें अभी भी बाकी हैं। 85 स्कोर पांचवें ओवर की एक बॉल अच्छी है दूसरी बॉल के लिए और यहाँ पे अच्छी बॉल की और फील्डर मौजूद जुल्फिकार दली और यहाँ पे मिलेगा 1 स्कोर दो बॉलें 86 स्कोर चार बॉलें अभी बाकी हैं। तीसरी बॉल आखिरी ओवर की और यहाँ पे एक लंबा सा छक्का उसामा कुफरी की तरफ से 92 स्कोर इसी छक्के के साथ 92। यहाँ पे तीन बॉलें 92 स्कोर पांचवें ओवर की तीन बॉलें 92 स्कोर और अभी भी तीन बॉलें बाकी हैं और स्ट्राइक पे मौजूद हैं उसामा कुफरी। अच्छी बॉल करेंगे और यहाँ पे एक ऊंचा सा कैच जिसके नीचे असद अच्छी खुद मौजूद लेकिन कैच ड्रॉप हुआ और यहाँ पे 2 स्कोर बन चुके हैं। उसामा कुफरी की लंबी हिट लगाने की कोशिश लेकिन बॉल हवा में ऊंची। इसी के साथ ही 94 स्कोर। इससे पहले भी अहमदाबाद टीम ने पहले बैटिंग की है क्वार्टर फाइनल में और 114 रन का टारगेट दिया है और वो मैच जीत लिया ददर से। देखना होगा कि अहमदाबाद की टीम के जो ओपनिंग बैट्समैन है अगर अच्छा परफॉर्म कर गए तो ये कोई टारगेट नहीं है उनके लिए। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है
और दोपहर का टाइम है, पांचवी बॉल के लिए आया अच्छी और अच्छी बॉल की, लेकिन चौका होगा यहाँ पे उसामा कुफरी। यहाँ पे अपने चौके से भी खुश नहीं है, पांच बॉलें, एक बॉल बकाया और 98 स्कोर। आखिरी बॉल पांच और छक्का, एक सौ पांच स्कोर का टारगेट यहाँ पे अहमदाबाद के लिए। यहाँ पे 105 स्कोर का टारगेट मिला अहमदाबाद को जवान 11 कुफरी की तरफ से।